हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप गाइस, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। गाइस, मैं अभी उठा हूँ। उठने के साथ ही मेरे मन में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, साथ में थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं होता ना, ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई और टीम होती है, शायद इतना नर्वसनेस नहीं होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इस तरह से रहा है कि वो हमेशा फाइनल जीतते हैं। मैक्सिमम फाइनल उन्होंने जीते हैं, 5 बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये प्रूव होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल का जो प्रेशर है वो लेना जानती है। पहले 2 मैच हारने के बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया वो कोई टीम नहीं कर पाई। तो डेविड वॉर्नर है, मैक्सवेल है, स्मिथ है, ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं इनमें जो कि किसी भी मैच को पलटने का दम रखते हैं। पर अब आते हैं टीम इंडिया पर। टीम इंडिया इतना अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में, एक भी मैच नहीं हारा। हमें अपने टीम इंडिया पर गर्व है, पर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं होता ना तो शायद, बट मैच कहीं फंस ना जाए। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच में पता नहीं क्या हो जाता है कि वो इतने ज्यादा जोश में आ जाते हैं, वो सामने वाली टीम को ना पूरे डोमिनेट करके रखते हैं। बीच में ये था कि शायद एक आधा मैच हार जाते तो शायद वो फाइनल जीत जाते, लेकिन ये लोग नहीं हारे। आज टीम इंडिया को ना बहुत अच्छा खेल दिखाना होगा, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने हर मैच में खेला है, इस बार भी रोहित शर्मा को वैसे ही खेलना पड़ेगा। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा और तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस तरह से जो टोन वो सेट करेंगे टीम इंडिया के रन की, वही इम्पैक्ट आगे के प्लेयर्स पे पड़ेगा जो बाद में आएंगे। क्योंकि जब भी वो ओपनिंग पे आते हैं, और ओपनिंग पे आके अगर वो पहले 5-6 ओवर 10 ओवर खेलते हैं, तो उसमें जो इम्पैक्ट वो डालते हैं 8.5-9 की एवरेज के को साथ लेके वो चलते हैं, तो 8.5-9 की एवरेज से अगर वो रन बनाते हैं, तो सामने उनके जाने के बाद जो विराट कोहली आते हैं, श्रेयस अय्यर आता है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो टाइम लेने के बाद वो 8.5-8 की एवरेज को 6.5 तक ले आते हैं, फिर धीरे धीरे करते 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 मैच को लंबा खींचते हैं और आखिर तक मैच को लेके जाते हैं, और आखिर में फिर धीरे धीरे करके रन रेट और इंक्रीज होती है, तो वही 8-8.5 के रन रेट से रन बन जाते हैं। तो टेंशन फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके इंडियन टीम खेलती है जब रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं। तो रोहित शर्मा को बहुत अच्छा स्टार्ट देना होगा टीम इंडिया को। अगर रोहित शर्मा पहले 10-12-15 ओवर चल गए तो ये कप इंडिया से कोई नहीं लेके जा सकता, ये कप इंडिया का है। जिस तरह से 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आज वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहित शर्मा को लेनी होगी और टीम को जीत दिलानी होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि जीतेगा तो इंडिया ही। तो गाइस, लेट्स चीयर फॉर आवर टीम इंडिया। कल रात को जब मैं सोया तो सोने से पहले मेरे मन में यही थॉट था कि कल मैच में क्या होगा। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप का मैच है, और आज उठने के बाद भी मेरे मन में पहला थॉट यही था कि आज तो मैच है, क्या होगा। इस टाइम पूरा इंडिया अपनी टीम की जीत की दुआ कर रहा होगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी यही कुछ होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी लोग अपनी टीम की जीत की दुआ कर रहे होंगे। और ऑस्ट्रेलियन टीम ज्यादातर मौकों पे जब भी फाइनल में पहुंचता है तो वो जीतता ही है, वो हारता नहीं है। आज इंडिया हरा देगा और ये वर्ल्ड कप वो जाने नहीं देगा अपने हाथ से। तो टीम इंडिया हारना नहीं है आपको। बहुत मुश्किल से आता है दिन, बार बार नहीं आता, कभी कभार आता है, लेकिन हारना नहीं है। मैं उठाऊं, सुबह उठते ही मैंने टीम इंडिया की जर्सी पहन ली है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बार बार मैं टाइम देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि एक बार आपसे बात करनी चाहिए। मेरे मन में जो नर्वसनेस है या जो एक्साइटमेंट है, वो फीलिंग्स आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अंदर की चीज अगर निकल जाए ना तो वो तो थोड़ा बेटर हो जाता है कि मैंने आपसे शेयर कर दिया। और मुझे लगता है कि कहीं मेरी तरह जो फीलिंग मेरे अंदर है वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होगी। जितने भी भारतवासी हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो टीम इंडिया से प्यार करते हैं, वो सब उनके मन में यही चीज होगी, यही फीलिंग होगी, यही नर्वसनेस होगी कि क्या होगा। दो चीजें होंगी, या तो हम आज जीत का जश्न मना रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, मिठाइयां बांट रहे होंगे, बम पटाखे चला रहे होंगे, रोड्स पे निकले होंगे, अपने जीत को एंजॉय कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, मस्ती मजाक कर रहे होंगे, या फिर कुछ नहीं कर रहे होंगे, दुखी होंगे, शांति से बैठे होंगे। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आर टीम। हार जीत तो लगी रहती है, यहां तक आए हैं और सभी टीमों को हरा के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, पाकिस्तान को, नेदरलैंड्स को, और लंका के तो लंका ही लगा दी। ये सब भी कोई आसान नहीं था, ये भी एक सपना ही था जो कि टीम इंडिया ने फुलफिल किया।
सबसे अच्छी खुशी ये है कि अगर टीम इंडिया हार भी जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से हारेगा, जो कि वर्ल्ड क्लास टीम है और जो फाइनल कभी नहीं हारती। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हिस्ट्री चेंज होगी, इस बार टीम इंडिया जीत जाएगा। जगह जगह हर घर में टीम इंडिया की जीत की दुआ हो रही होगी। आज लोग इतने एक्साइटेड होंगे, बहुत सारे करोड़ों लोग आज अहमदाबाद पहुंचे होंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास इकट्ठे हुए होंगे, हो भी गए होंगे इस टाइम जब मैं अगर आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक स्टेडियम के बाहर भीड़ जमा हो चुकी होगी। बहुत से लोग, लाखों लोग स्टेडियम के अंदर मैच देख रहे होंगे और टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। पूरा स्टेडियम आज नीला हो जाएगा, पूरा ब्लू कलर में नहाने वाला है स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे लोग, स्टेडियम के बाहर टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे लोग, करोड़ों लोग अपने टीवी पे मैच देखकर सपोर्ट करेंगे, लाखों लोग होंगे जो इंडिया के बाहर होंगे जो मैच देखेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इंडियन टीम, आपको ये वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है किसी भी हाल में। तो गाइस मैं अभी उठाऊं, उठ के बस मुंह धोया है, थोड़ा बाल वगैरह सेट किए हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं आज रात को टीम इंडिया की जीत की खुशी मनाना चाहता हूं। हमसे ज्यादा टीम इंडिया को ये बात पता है कि उन्होंने पूरे देशवासियों को क्या गिफ्ट देना है। अभी एक हफ्ता पहले ही हम लोग दिवाली मना के हटे हैं और आज रात को फिर दिवाली बनेगी। तो लेट्स चीयर फॉर टीम इंडिया, जीतेगा भी जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वंदे मातरम, जीतेगा भी जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो गाइस अब मैं भी अपने काम पे लगता हूँ, आप भी फटाफट नहा धो के आज के दिन के लिए प्रिपेयर हो जाइए, और जिसने अपने काम निपटाने हैं फटाफट काम निपटा लीजिए, जिसने स्टेडियम पहुंचना वो स्टेडियम पहुंचिए, जिसने घर से मैच देखना है वो घर से मैच देखिए और टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए। मैं स्टेडियम में तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन मैं घर बैठ के टीम इंडिया को सपोर्ट करूंगा, मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरे दिल से सपोर्ट है कि आज टीम इंडिया जीते ही जीते और वो जीतेगा, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। आज ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा देगा। आज रोहित शर्मा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर अपनी जान लड़ा देंगे, और बॉलिंग में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, खासकर कुलदीप यादव अपनी जान लड़ा देंगे, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है कि आज उन्हें क्या करना है, उनको पता है कि टीम इंडिया को क्या करना है, उनको पता है कि इंडिया को क्या चाहिए। तो गाइस वी लव यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच, एंड आज जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। आप हारिए या जीतिए, आप हमारे दिल में बस चुके हैं। मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ और मिलते हैं थोड़ा टाइम के बाद टीवी के सामने मैच शुरू होने से पहले। तो तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैव पीस। बाय बाय।